हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम के हो रहे हैं अभी 5:45। इतनी गर्मी हो रही है ना, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी जस्ट मैंने शावर लिया एंड फिर मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। हल्का सा लिपस्टिक अप्लाई किया है, हल्का सा रेडी वेडी होके बैठी हूँ, बिकॉज मम्मी कहती है ना कि जब शाम हो ना तो हर किसी को हल्का सा ना मेकअप करके रहना चाहिए, मतलब हल्का रेडी होके रहना चाहिए। बिकॉज और जब हस्बैंड आए ना तो आप हल्का उनको प्रेजेंटेबल लुक के साथ वेलकम करो ना तो अच्छा लगता है। बिकॉज इतने पूरे दिन की थकान होती है उनकी, पूरे दिन भाग दौड़ ये सब लगा रहता है, काम का इतना प्रेशर रहता है, तो एटलीस्ट हम जो वाइफ्स होती है ना उनको प्रेजेंटेबल लुक के साथ उनको ना हमेशा वेलकम करना चाहिए। तो फिर आप पूरे दिन कैसे भी रहो वो मैटर नहीं करता, बट शाम के टाइम आप हल्का सा अच्छे से रेडी हो लो तो आपको भी अच्छा लगेगा और हस्बैंड को भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने जस्ट अभी हल्का सा शावर लेके हल्का कुछ मेकअप वेकअप कर लिया, मेकअप कुछ नहीं किया है, बस एक लिपस्टिक अप्लाई करा है। एंड अभी मैं जा रही हूँ कुछ इवनिंग स्नैक्स का कुछ भी तैयारी करने। क्या होता है ना, जब हम इतने मन से कभी कभार फ्रूट्स लेके आते हैं, एंड मैं तो हमेशा जब भी मार्केट जाती हूँ तो कुछ ना कुछ फ्रूट्स लेके आती हूँ, एंड फिर हम लोग उसको खा ही नहीं पाते। लाइक आप उसको फिर मन हट जाना कहो या फिर आलस कहो, कुछ भी कह सकते हैं, फिर वो फ्रूट्स ख़राब हो के फिर हमें फेंकना पड़ जाता है। एंड अभी हस्बैंड के आने से पहले ही मैं सब कुछ करके रेडी रखती हूँ, बिकॉज वो आएंगे और वो फटाफट फेंकना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं अरे ये तो ख़राब हो गया, इसको फेंक देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, हम लेडीज़ का कुछ ना कुछ जुगाड़ हमेशा रहता ही है। तो बहुत दिन से ब्रेड रखा हुआ था, बहुत दिन से नहीं कहेंगे बट हाँ 1 वीक हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ उसको फेंकने से अच्छा है, बिल्कुल अभी फ्रेश ही लग रहा है। तो मैं अभी जा रही हूँ उसका कुछ ब्रेड कटलेट बनाने, ब्रेड कटलेट बोलो या फिर ब्रेड पकौड़ा बोलो, बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं। एंड फ्रूट्स जो भी हैं तो उसका मैं जा रही हूँ स्मूदी बनाने, वो बन जाएगा तो हम दोनों पी लेंगे। तो फटाफट जा रहे हैं इवनिंग स्नैक्स की तैयारी करने, देन हम थोड़ा सा मार्केट जाने वाले हैं, कुछ ग्रॉसरी का सामान लेना है, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। यहाँ पे मैंने मैंगोज लिया है, 2 बनानाज लिया है एंड कर्ड लिया है। मैंगो ऐड कर रही हूँ मैं, बनाना ऐड करूँगी, आप कोई सा भी और फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, मेरे पास यही तो अवेलेबल थे अभी। एंड कर्ड ऐड किया है मैंने, हल्का सा पानी ऐड करूँगी, शुगर ऐड नहीं किया है मैंने यहाँ पे। स्मूदी बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसे फ्रिज में थोड़ा चिल्ड होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे मैंने कुकर बिठाया आलू बॉयल होने के लिए, ब्रेड लिया है कुछ मैंने यहाँ पे, आप कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन वाइट कोई सा भी। अनियन लिया है, ग्रीन चिली लिया है मैंने, कोरिएंडर लीव्स लिया है एंड यहाँ पे मैंने सूजी लिया है। गैस ऑन किया है मैंने यहाँ पे एंड यहाँ पे कढ़ाई बिठाऊँगी मैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं यहाँ पे जीरा ऐड कर रही हूँ, अजवाइन ऐड कर रही हूँ, अजवाइन से फ्लेवर भी अच्छा आता है और पेट के लिए भी सही होता है। देन मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली ऐड किया है, अनियन ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, गोल्डन ब्राउन होने तक मैं यहाँ पे इसे पकने दूंगी। यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ ताकि अनियन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टर्मरिक पाउडर ऐड किया है यहाँ पे, गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ और ज़्यादा कुछ स्पाइसेस मैंने ऐड किए नहीं है, रेड चिली पाउडर ऐड किया है एंड देन मैंने जो आलू बॉईल करके रखा था वो ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मसाला ऑलमोस्ट डन हो गया है। देन मैं यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दूंगी। ब्रेड को मैंने पानी से हल्का सॉफ्ट कर लिया है, देन मैंने जो मसाला रेडी किया था वो यहाँ पे डाल रही हूँ ब्रेड में एंड इसे हल्के हाथों से बाइंड कर लेना है। मैंने यहाँ पे ओवल शेप दिया है, आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, राउंड शेप भी दे सकते हैं, वैसे कटलेट में ज़्यादा ओवल शेप अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे सूजी में इसे मैं रोल कर लूँगी, सारे ब्रेड को मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। सारे कटलेट रेडी हो गए मेरे, ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब मैं यहाँ पे इसे फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे इसे ध्यान से फ्राई करना होता है कि ज़्यादा सूजी जले भी ना और वो कच्चा भी ना रहे। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये फ्राई हो गया है, अब मैं यहाँ पे इसे निकाल लूँगी।
सारे कटलेट को मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। कटलेट बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो हमने फाइनली अपना स्नैक्स लिया है एंड काफ़ी अच्छा बन गया था एंड हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आया। उन्हें पता भी नहीं चला कि जो ब्रेड हम लोग फेंकने वाले थे उसका मैंने यूज़ में ला के ब्रेड कटलेट बना लिया। जन्माष्टमी के दिन हमने वो ब्रेड लिया था, काफ़ी पुराना भी नहीं हुआ है बट हाँ फिर भी थोड़ा सा लाइक एक दो दिन के अंदर ब्रेड ख़त्म हो जाए तो अच्छा रहता है, बट फिर भी अभी फ्रेश लग रहा था तो मैंने उसका कटलेट बना लिया एंड फ्रूट्स का भी स्मूदी बना लिया एंड उनको काफ़ी पसंद आया। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं मुजफ्फरपुर भ्रमण पे। हाँ भ्रमण पे निकलने वाले हम लोग, मुजफ्फरपुर भ्रमण करने जा रहे हैं हम लोग। इधर उधर कहीं घूम फिर के आएंगे एंड कुछ सामान लेना है ग्रॉसरी का तो वो लेके आएंगे एंड आप ज़रूर ये स्नैक ट्राई करिएगा एंड बहुत क्विक बहुत सिंपल बहुत ईजी स्नैक्स है एंड काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ एंड जिन्होंने नहीं किया है तो कर लो यार प्लीज़, ताकि आपको मेरे अपडेट्स पता चलते रहे एंड अगर वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। टिल देन हंसते रहिए, खुश रहिए एंड अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।